गाइस आप लोगों को पता है पल्सर एनएस 125 में आप लोगों को एबीएस नहीं मिलता, इसमें आपको सिंक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अगर आप पिछला ब्रेक दबाओगे तो ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट आपका अगला ब्रेक भी दबता है, ठीक है। अब हालांकि इसका ना एक चीज़ अलग है, इसमें आप लोगों को पता है जैसे नॉर्मल बाइक के जो डिस्क ब्रेक होते हैं उनमें हल्का सा दबाओ, इतना सा दबाओ, इतना ही प्रेशर होता है, उसके बाद वो दबता ही नहीं है, है ना। लेकिन इसका ब्रेक अलग है यार। अब मैंने एक ही चीज़ रेडर में भी नोटिस करी थी, ये देखो इसका कितना ब्रेक दब जाता है। अगर मैं प्रेशर लगाऊँ ना तो ये देखो ऑलमोस्ट पूरा दबने पर आ गया, ये देखो। तो इसका सिस्टम अलग है यार, इसका मतलब टायर इतनी जल्दी ना स्किड नहीं करता आगे वाला। मैंने कोशिश भी करी कई बार, मतलब पूरा जब मैं दबाता हूँ तभी स्किड करता है। तो मतलब कंपनी ने ध्यान दिया है कि अगर इसके अंदर एबीएस नहीं है ना तो आप ये मत सोचना कि हल्का हल्का सा ब्रेक मारूंगा तब भी ये बाइक स्किड करती रहेगी, ऐसा नहीं है भाई। एक बार आप लोग जाकर ना इसकी टेस्ट ड्राइव लो, तब आपको पता समझ में आएगा कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम कुछ अलग है। डिस्क है, बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन कुछ अलग ही तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एक बार टेस्ट राइड जरूर लेना इस बाइक की, या रेडर के लिए ना, उसमें भी डिस्क मिलता है एंड उसमें भी आपको सिंक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है।